कांग्रेस में पूर्णकालीन अध्यक्ष की मांग को लेकर चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन होगा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, कौन है मजबूत दावेदार, तो क्या है मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म होने वाला है। अब कांग्रेस ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नबी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा या पी चिदम्बरम को दे सकती है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह भी इस पद के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद को दोबारा विपक्ष का नेता बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए 2 महीने के बाद केरल से जीत कर आना होगा। अप्रैल में केरल की 3 सीटें खाली हो जाएंगी और उनमें से एक को कांग्रेस बरकरार रख सकती है, लेकिन आजाद के लिए केरल से चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। दरअसल पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि केरल के नेता किसी बाहरी व्यक्ति को राज्य से चुने जाने की अनुमति नहीं देंगे। इससे पहले केरल के नेताओं ने राज्यसभा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम को लड़ने की इजाजत नहीं दी थी। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस पद के लिए रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे हैं। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उनका राहुल गांधी के बेहद करीब होना। उन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी ने राज्यसभा में मौका दिया। आनंद शर्मा भी रेस में हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर है। दरअसल उन्होंने पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। दिलचस्प बात यह भी है कि गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के 4 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने वाला है। वर्तमान में यहाँ कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है, लिहाजा जब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव नहीं होते, राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर से गुलाम नबी आजाद के अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 अन्य सांसद नजीर अहमद लावे का कार्यकाल 10 फरवरी और मीर मोहम्मद फयाज का कार्यकाल 15 फरवरी को पूरा हो रहा है। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शमशेर सिंह मनहास का कार्यकाल भी 10 फरवरी को खत्म हो रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।